राजस्थान के जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने 5 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर जयपुर के टोंक रोड पर एक होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। काफी देर तक शूटर्स हथियारों से फायरिंग करके दहशत मचाते रहे हैं। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जानकारी के मुताबिक लगभग 18 राउंड फायरिंग की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भवानी भी जुड़ गए हैं। भवानी, कोई जानकारी कि इस फायरिंग के पीछे जो 18 राउंड फायरिंग हुई है कौन है? देखिए अंकिता, ये 8 तारीख को जो वहाँ के होटल के मालिक है उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें कहा कि 8 जनवरी को उनके पास में एक कॉल आया था रोहित बारा की ओर से, फिर उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई का आया था और 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और उसके बाद में ये शनिवार रात को जबरदस्त फायरिंग की और उसके बाद में फायरिंग के साथ में एक पर्चा भी छोड़ के गए और सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी ली लॉरेंस गैंग ने कि अगर 5 करोड़ रुपए फिरौती नहीं दी तो वो जान से मार देंगे। अभी फायरिंग की चेतावनी देकर गए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जयपुर शहर के अंदर इस तरीके से आकर दहशत मचाते हैं। जी भवानी, और खुलेआम जिस तरीके से ऋतिक बॉक्सर ने फेसबुक पर इस बात का ऐलान किया है, इस बात की जिम्मेदारी ली है कि हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही है, जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि कानून का कितना डर और कितना खौफ है लॉरेंस गैंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेटिंग के साथ रील बनाने के आरोप में 2 लड़के गिरफ्तार। बैरिकेट्स को हटाकर रील बनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। हरियाणा के गुरुग्राम के नाइट क्लब में देर रात पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। ड्रग्स लेने के आरोप में करीब 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा की गई रद्द। वडोदरा में पुलिस को एक लड़के के पास से पर्चे की कॉपी मिली। ATS ने अब तक 15 आरोपियों को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला के HPU कैंपस में BBC की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। छात्र और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। छात्र संगठन SFI ने पुलिस और सुरक्षा बल के बीच प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की। बिहार के गया में पुलिस और CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन। छापेमारी में नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। विस्फोटक और जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के रामनगर से लड़कों की चोरी करने का वीडियो आया सामने। 3 लड़के एक दुकान में घुसे और फिर सामान चुराकर फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। केरल के कोची एयरपोर्ट में मस्कट से आ रही यात्री से करीब 37 लाख रुपए का सोना जब्त। कस्टम विभाग के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। मणिपुर के तेंगने उपल से म्यांमार के 81 नागरिक गिरफ्तार। मोरहे में भारत और म्यांमार सीमा से हुई गिरफ्तारी। बिहार के मोतिहारी में गन्ने से भरा ट्रक पलटा। संतुलन बिगड़ने की वजह से ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा। 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। CM योगी ने हादसे पर दुख जताया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बंद खदान से 3 और शव बरामद। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। SECL बुड़ार ग्रुप प्रबंधन पर मामला दर्ज। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।